नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था। सर्वनाम है क्या? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कबीर पांचवी कक्षा में पढ़ता है, वह एक बुद्धिमान बालक है, उसके माता पिता डॉक्टर हैं, वे उसे बहुत प्यार करते हैं, तो कबीर क्या है बच्चों? संज्ञा है। और बार बार हम कबीर का नाम ना लाके उसकी जगह पे जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि वह एक बुद्धिमान बालक है तो वह क्या है? कबीर है। यहाँ पे उसके माता पिता डॉक्टर हैं तो उसके मीन्स कबीर, तो कबीर क्या है? कबीर संज्ञा है, नाम है, लेकिन उसके स्थान पे जो शब्द हमने प्रयोग किया उसके उसके क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। वे उसे बहुत प्यार करते, वे तो वे कौन हो गया? उसके माता पिता, तो माता पिता क्या है? संज्ञा, तो माता पिता ने लिख के यहाँ पर वे लिखा। उसे, उसे मीन्स कबीर, तो कबीर क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। बार बार कबीर शब्द ना लिखना पड़े इसलिए वह उसके उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्व प्लस नाम अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द किसी सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर स्पष्ट हो जाती है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे तरुणा मेरी बहन है, वह बहुत सुंदर है। अब बार बार हम तरुणा लिखेंगे तो वो जो हमारा पूरा वाक्य होगा वो सुंदर नहीं लगेगा। तो तरुणा मेरी बहन है, अब फिर लिखते अगर तरुणा बहुत सुंदर है तो ये पूरा वाक्य हमारा सही नहीं लगता। तो हमने तरुणा ना लिख के उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया वह हमारा सर्वनाम होगा। इसी तरह रमन मेरा भाई मित्र है, वह बहुत होशियार है, तो रमन संज्ञा हो गया। तो हमने संज्ञा का प्रयोग एक बार किया, फिर बार बार अगर उसका उपयोग हो रहा है तो हम सर्वनाम यूज करेंगे। जैसे वह, रमन के स्थान पे वह बहुत होशियार है। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द प्रयोग किया जा गया है। जैसे हमने आपको बताया कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे लड़के के लिए हम लोग कहेंगे वह जा रहा है, अब लड़की के लिए वह जा रही है, तो यहाँ पे रहा और रही का हम लोग अंतर रहे। रहा मीन्स लड़का, रही मीन्स लड़की। अब वह जो हमने सर्वनाम यूज किया वह एक ही है, लेकिन वो दो अलग अलग विपरीत स्थितियों में हम लोग लगा रहे हैं। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन के लिए मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे। बहुवचन के लिए हम, तुम, सब, वे, ये, इन्हें। अब ये बहुवचन हो या एक वचन हो, ये हम लोग संज्ञा के स्थान पे शब्द प्रयोग करेंगे उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के छह भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। आज के लिए इतना ही, हम लोग सर्वनाम के भेद को कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। और इसके अलावा आज का गृह कार्य है सर्वनाम की परिभाषा लिखिए तथा उसके 10 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।